नमस्कार। इंडियन प्रीमियर लीग दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है। इस लीग में दुनिया भर के प्लेयर आते हैं और अपने खेल का लोहा मनवाते हैं। आईपीएल के बाद ही कई दूसरे देशों में क्रिकेट लीग की शुरुआत हुई। इसमें ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग, वेस्ट इंडीज की कैरेबियन प्रीमियर लीग, बांग्लादेश की प्रीमियर लीग और पाकिस्तान प्रीमियर लीग शामिल है। पीएसएल को हिट लीग माना जाता है, लेकिन वो आईपीएल की तरह सुपर हिट नहीं है। शायद यही वजह है कि जो प्लेयर आईपीएल में सुपर हिट हैं, वो पीएसएल में जाकर फ्लॉप हो जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही तीन प्लेयर के बारे में बताने जा रहे हैं जो आईपीएल और पीएसएल दोनों में खेलते हैं, लेकिन आईपीएल जैसी चमक वो पीएसएल में नहीं बिखेर पाते। तो सबसे पहले इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं मोइन अली से। इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली के बारे में कहा जाता है कि वो बेहतरीन प्लेयर हैं। टी20 क्रिकेट में उन्होंने अलग अलग रोल बखूबी निभाया। आईपीएल में मोइन अली ने विराट के आरसीबी और धोनी के चेन्नई के लिए भी मैच खेले। मोइन अली जब विराट की कप्तानी में आरसीबी के लिए खेलते थे तो उन्हें उतनी सफलता नहीं मिली जितनी धोनी की कप्तानी में चेन्नई के लिए खेलते हुए मिली। आईपीएल के 14वें सीजन में मोइन सीएसके से जुड़े और ऐसी बल्लेबाजी की कि हर कोई उनका मुरीद हो गया। मोइन अली ने आईपीएल में 25 मैचों में 157 की स्ट्राइक रेट से, जबरदस्त स्ट्राइक रेट से तकरीबन 515 रन बनाए हैं। पीएसएल में मोइन अली मुल्तान सुल्तान के लिए खेलते हैं। पीएसएल में उन्होंने 9 मैचों में 106 की स्ट्राइक रेट से 138 रन बनाए हैं। हालांकि अभी तक उन्होंने पीएसएल के ज्यादातर मैच नहीं खेले, लेकिन अब तक के आंकड़ों से ये साफ पता चलता है कि आईपीएल के मुकाबले पीएसएल में उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर के प्लेयर हैं ब्रैंडन मैकुलम। ब्रैंडन मैकुलम न्यूजीलैंड के धाकड़ बल्लेबाज माने जाते हैं। उनकी धूम टी20 मैचों में खूब रही। टी20 मैचों में मैकुलम गेंदबाजों की धुलाई के लिए खूब जाने जाते हैं। साल 2008 में आईपीएल के पहले ही सीजन में मैकुलम ने केकेआर की तरफ से खेलते हुए पहले ही मैच में 158 रनों की विस्फोटक बल्लेबाजी की थी, पारी खेली थी। मैकुलम ने आईपीएल में 109 मैचों में 2880 रन बनाए। आईपीएल में उन्होंने 2 शतक और 13 अर्धशतक लगाए। मैकुलम ने पीएसएल के 2016-2017 के सीजन में लाहौर कलंदर्स के लिए खेला। मैकुलम ने कुल 18 गेम खेले जिसमें से उन्होंने करीब 20 की औसत से 311 रन ही बनाए। इससे पता चलता है कि पीएसएल के मुकाबले वो आईपीएल में ज्यादा सफल रहे। और इस लिस्ट में जो बल्लेबाज टॉप पर है वो है क्रिस गेल का नाम। क्रिस गेल को यूनिवर्सल बॉस कहा जाता है क्योंकि उन्होंने दुनिया के करीब हर लीग में गेंदबाजों की जमकर धुनाई की है। गेल टी20 क्रिकेट का सबसे खतरनाक नाम है। टी20 में क्रिस गेल 13,000 से ज्यादा रन बना चुके हैं। आईपीएल में गेल ने 140 मैचों में 40.24 की औसत से 4,950 रन बनाए। गेल ने पाकिस्तान सुपर लीग में अपना वैसा जलवा नहीं बिखेरा जैसे आईपीएल में बिखेरा। गेल ने पीएसएल के 16 मैच खेले और इस दौरान उनके बल्ले से 23.12 की औसत से 370 रन ही निकल पाए। अब आईपीएल के मुकाबले पीएसएल में गेल फ्लॉप नजर आए। इसलिए कहा जा रहा है कि कई ऐसे प्लेयर जो आईपीएल और पीएसएल दोनों खेलते हैं वो आईपीएल में तो हिट हो जाते हैं लेकिन पीएसएल में कोई कमाल नहीं कर पाते।